संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत वर्करों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार करती है, जिसके संबंध में डिप्टी लेबर कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि जनपद में जो कार्यरत वर्कर हैं उनको दो क्षेत्रों में बांटा गया है, एक संगठित दूसरा असंगठित। उन्होंने बताया कि संगठित क्षेत्र के वर्कर को वेतन के साथ साथ रिटायरमेंट के बाद भी कुछ लाभ मिलता है और उसके या उसके परिवार के साथ कोई घटना घटती है तो सरकार के द्वारा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहन की जाती है। यह संगठित क्षेत्र में आता है। संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठान में जहां 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं उन्हें ईपीएफ की भी सुविधा देने के साथ उन्हें ईएसआई की सुविधा भी मिलती है। ऐसे वर्कर जो 5 साल या 5 साल से अधिक नौकरी किए हैं उनको बोनस भी मिलता है। नौकरी के अलावा जो अन्य सुविधाएं जो कि रिटायरमेंट से संबंधित हैं वो भी ऐसे ही वर्करों को मिलता है जो संगठित क्षेत्र में आते हैं। संगठित क्षेत्र में फैक्ट्री के वर्कर और बड़ी बड़ी दुकानों के वर्कर, माल के वर्कर आते हैं। ऐसे प्रतिष्ठान जहां 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं यह संगठित क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर है वो असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनका निश्चित नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह वह काम करते रहते हैं। ऐसे वर्करों के लिए भी सरकार की योजनाएं हैं, जैसे श्रम योगी मानधन योजना, 7 साल के बाद उनको कुछ पेंशन की भी योजनाएं हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका 5 लाख रुपए का सालाना इलाज होता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए डिप्टी लेबर कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने कहा, अमित कुमार मिश्रा, उप श्रम आयुक्त गोरखपुर। देखिए, जो वर्कर है हमारे यहाँ वर्कर की कंडीशन जो है वो हम मोटा मोटा दो क्षेत्रों में बांटते हैं, एक संगठित क्षेत्र और एक असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र का वर्कर ऐसा होता है जिसमें वो नौकरी के साथ साथ जो वेतन पा रहा है उसके अलावा आफ्टर रिटायरमेंट उसके कुछ बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं, या उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, उसके परिवार के साथ कोई तबीयत खराब हुई या कोई कैजुअलिटी हुई, तो उसमें जो उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो अगर कहीं ना कहीं से अमूमन सरकार के द्वारा वहन की जा रही है तो संगठित क्षेत्र में आता है। संगठित क्षेत्र अमूमन ऐसा प्रतिष्ठान जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, पीएफ की सुविधा है, ईएसआई की उनको सुविधा मिल रही है, उन्हें ग्रेचुटी मिल रहा है अगर उन्होंने 5 साल या 5 साल से ज़्यादा सर्विस की और उन्होंने छोड़ दिया या वो रिटायर कर गए, ग्रेचुटी की सुविधा है। उन्हें बोनस मिल रहा है साल भर में कम से कम 8.33% से लेकर 20% तक। तो ऐसी नौकरी के अलावा, तनख्वाह के अलावा जो अन्य सुविधाएँ हैं जो उनके रिटायरमेंट से संबंधित, ये सब संगठित क्षेत्र आता है। संगठित क्षेत्र में हमारे फैक्ट्री के वर्कर हैं, बड़ी बड़ी दुकानों के वर्कर हैं और माल है, नर्सिंग होम्स है, मतलब जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं उसी तरह संगठित क्षेत्र है। आज हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन पावर है वो संगठित क्षेत्र में काम कर रही है, निश्चित नहीं है वो आज यहाँ पे काम कर रहे हैं, महीने भर काम किया, 10 दिन बाद कहीं और चले गए, 15 दिन बाद कहीं और उनका मूवमेंट हो गया। तो सरकार इसके लिए भी जो असंगठित क्षेत्र के वर्कर हैं उन वर्करों के लिए भी कुछ योजनाएं वो लेकर के आई है, जैसे श्रम योगी मानधन योजना, जैसे वो अपना कुछ अंशदान दे, कुछ सरकार अंशदान दे और 60 साल के होने के बाद उनको कुछ पेंशन मिले। इसी तरह अन्य विभागों की बहुत सारी योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत है या कुछ और भी है, कि उनके मेडिकल की 5 लाख रुपए तक सालाना या कुछ और भी चीज़ें, ये सरकार ध्यान दे रही है। इसी तरह सरकार वर्करों के हित में कि वो कितने घंटे काम करेंगे, एक सप्ताह में कितने घंटे काम लिया जा सकता है, अगर ओवर टाइम करेंगे तो ओवर टाइम में मजदूरी क्या होगी, हर 6-6 महीने पे सरकार न्यूनतम मजदूरी डिसाइड करती है, रिवाइज करती है। आज की स्थिति में
न्यूनतम मजदूरी अकुशल, अर्धकुशल और कुशल तीन श्रेणी में है, जो अकुशल का 10,700 रुपये से लेकर के और कुशल का 12,000 से ज़्यादा आज की डेट में मजदूरी डिसाइड की गई है। 8 घंटे काम करने पर उनको मिलेगी, 8 घंटे से ज़्यादा काम अगर उनसे लिया जाता है तो ओवर टाइम का होगा वो जस्ट डबल रेट होगा, यानी आप 1 घंटे की मजदूरी निकालेंगे और 1 घंटे काम कराने के एवज में 2 घंटे काम का पैसा देंगे। साप्ताहिक बंदी, हम उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम 1962 के अंतर्गत साप्ताहिक बंदी डिक्लेयर करवाते हैं जिलाधिकारी महोदय के स्तर से। सरकार ने ये भी जब डूइंग बिजनेस में ये भी छूट दी है कि आप 7 के 7 दिन दुकान खोल सकते हैं कुछ अतिरिक्त फीस जमा करके, तो हम वहाँ पे ये परिपालन करवाते हैं कि ऐसे लोग जहाँ 7 दिन दुकानें चल रही हैं वहाँ पे रोटेशन में रोस्टर वाइज छुट्टी, अगर एक दुकान पे 15 लोग काम कर रहे हैं तो सोमवार को कुछ, मंगलवार को कुछ, कि सबको वीकली हॉलीडे एक साप्ताहिक अवकाश मिले ही मिले। इसी तरह सरकार एश्योर करवाती है कि उनको समय से वेतन मिल जाए 7 तारीख तक लेट, 30 दिन पूरा होने के बाद 7 दिन के अंदर अगर वर्करों की संख्या ज़्यादा है तो 10 तारीख तक वेतन मिल जाए। सरकार ने इसके लिए बहुत सारे नियम कानून भी बनाए हैं कि अगर समय से वेतन नहीं मिल रहा है तो वो शिकायत कर सकते हैं, वो मुकदमा कर सकते हैं। अगर उनको ग्रेचुटी नहीं दी जा रही है, उनको बोनस नहीं दिया जा रहा है या और भी कोई भी चीज़ जो उनके कार्य एवं दायित्व से जुड़ी हुई है, या एक ही जगह पे पुरुष और महिलाएं काम कर रहे हैं, पुरुष को ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है, महिलाओं को कम दिया जा रहा है, या बच्चों से काम करवाया जा रहा है, 14 साल तक के बच्चों का RTE राइट टू एजुकेशन के तहत तो ब्लैंकेट बैन है, आप 14 साल तक के बच्चों से काम करवा ही नहीं सकते, और 14 से 18 के बीच में अगर आप बच्चों से काम करवा रहे हैं तो उसका रेगुलेशन है कि आप कितने घंटे काम करवा सकते हैं, कितना वेतन देंगे, कितने घंटे के लिए आप उनको बीच में छुट्टी देंगे और खाने के लिए या बाकी सब। तो सरकार ने हर एक नियम कानून बनाए। इसी तरह ईंट भट्टों पे काम करने के लिए बाहर से वर्कर आते हैं, सरकार ने उसके लिए नियम कानून बनाए। ईंट भट्टों से अभी एक एग्रीमेंट हुआ लेबर डिपार्टमेंट का कि अगर पुरुष महिलाएं वहाँ पे आ रही हैं तो पुरुषों के लिए अलग शौचालय, महिलाओं के लिए अलग शौचालय बने, उनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाए नज़दीकी प्राइमरी स्कूल में, या भट्टा मालिक स्वयं व्यवस्था करे उनके लिए रहने के स्थान की व्यवस्था हो, यानी जीवन जीने की जो न्यूनतम और मूलभूत आवश्यकता हो वो हर एक सेवा योजक अगर भट्टा मालिक है तो वो पूरा करे। इसी तरह से बड़ी बिल्डिंग्स जहाँ पे बन रही हैं बाहर के वर्कर आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, अगर वो दूसरे प्रदेश के वर्कर हैं तो अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस लेना पड़ता है, वो आएंगे वहाँ से तो उनके आने जाने में जो भी खर्चा होगा वो ठेकेदार और सेवा योजक को देना ही देना होगा, उसमें वो आनाकानी नहीं कर सकते। अगर इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो श्रम विभाग उस पर कार्यवाही करेगा। तो सरकार ने अपनी तरफ से व्यापक प्रयास किए हैं, बहुत सारे नियम कानून बनाए, हम लोग भी उन नियम कानूनों को लागू कराने की पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन हम अपील करते हैं नए साल में और बाकी समस्त सेवा योजकों से कि वो नियम कानून जाने, ये जो उनके हम वर्कर काम कर रहे हैं वो अपने ही भाई बंधु हैं, और अगर हम उनको सारी सुविधाएं देते हैं तो ना केवल हमारे प्रतिष्ठान का, हमारी फैक्ट्री का, हमारे दुकान का नाम होता है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम काउंट भी किए जाते हैं। सरकार ने कि नगद वेतन को रोकने के लिए भी सिस्टम बनाया कि आप उनको अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हो भी रहा है, पहले की अपेक्षा स्थितियां बहुत ज़्यादा सुधरी हैं। गोरखपुर में रह करके हम लोगों ने एक और सोचा है समस्त विभागों से समन्वय स्थापित करके कि लगभग 1 साल के अंदर गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रम को बंद कर देंगे। बंद करने के लिए आंगनबाड़ी का है, CDPOs है, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग है, माध्यमिक शिक्षा विभाग है, सबसे सहयोग लेके ग्राम पंचायत है, प्रधान है, इन सबसे सहयोग लेकर के एक बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है उसका रिकॉर्ड आंगनबाड़ी के पास हो जाता है, 6 साल बाद वही बच्चा स्कूल में जाता है, 2022 में जो बच्चे पैदा हुए होंगे 2028 में वो स्कूल जाने लगेंगे, तो कितने बच्चे एक गाँव में पैदा हुए और 2028 में स्कूल गए कि नहीं गए, फिर वो 6 से 14 साल यानी करीब 8 साल वो
आप बेसिक एजुकेशन के साथ रहते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के साथ रहते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूलों में चाहे सरकारी स्कूलों में, तो वो बच्चे 14 साल तक वहाँ पे हैं कि नहीं, उसके बाद वो कहाँ गए। तो एक ट्रैकिंग सिस्टम भी बनाया जा सकता है, इस पर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे, कि एक संपूर्ण जितने भी अन्य विभाग हैं एक समन्वय स्थापित करके, कि कोई भी बच्चा इस तरह से ना हो जो स्कूल ना जाए। अगर स्कूल नहीं जा रहा है, नाम लिखा है, एब्सेंट है, तो टीचर उसके बारे में पूछे कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। और ये भी प्रयास हम लोग करेंगे कि ऐसे बच्चे, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके जो गरीबी के कारण जिनके बच्चे स्कूल से हट रहे हैं, उनको सरकार की जो भी योजना है ग्रामीण स्तर पर, चाहे उनका राशन कार्ड का हो, चाहे आयुष्मान भारत का हो, चाहे उनके लिए आवास की सुविधाएं हो, चाहे प्राइमरी स्कूल में नाम का हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी सुविधा है, प्रयास ये करेंगे कि उन परिवारों को सुविधाएं मिले। इसी तरह हम लोग बाल श्रमिक विद्या योजना स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, या माँ बाप में से कोई एक नहीं है, या वो विकलांग हैं, या वो काम नहीं कर सकते, पूरी तरह अशक्त हैं, ऐसे लोगों को, बच्चों की पढ़ाई ना छूटे, हम लोग उनको 1000 रुपये, लड़के के लिए 1000 रुपये महीना और लड़कियों के लिए 1200 रुपये महीना, एक छात्रवृत्त का हम लोगों ने प्लान बनाया है, और 100 बच्चों को चिन्हित करके हम दे रहे हैं। बस शर्त ये है कि वो 70% उनकी अटेंडेंस रहे, यानी कि अगर वो काम पे जाएंगे तो 1000-1200 रुपये वो पाएंगे, वो काम पे ना जाए पैसा हमसे लें। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। वास्तव में श्रम कल्याण और बाल श्रम ये सामाजिक जागरूकता का मुद्दा है। अगर हम आप खुद जागरूक हों और अपने पड़ोस में देखें कि कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा परिवार है जो नीडी है, जिसको कुछ मदद करने से बाल श्रम से मुक्ति या बाल श्रम के दलदल में जाने से बचाया जा सकता है, तो हम लोग उसमें अगर एक हाथ बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है 100 हाथ बढ़ेंगे, और हम उस कीचड़ से उसको निकाल लेंगे।